हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे अभी हाल ही में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं और वो जो है जीकप काउंसलिंग के माध्यम से जो है किसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपके बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं यूपी में, आपके लिए सुटेबल जो है बेस्ट ब्रांच वो कौन सा होगा और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपके लोकेशन वाइज बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा। तो इन सब के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में डिटेलिंग में चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि आपके कॉलेज में कितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, कितने एडेड पॉलिटेक्निक है और आपके अगल बगल के जिलों में कौन से पॉलिटेक्निक है, उनका लोकेशन क्या है। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से केवल मतलब नहीं है, आपके लोकेशन से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए पॉलिटेक्निक हैं जो गाँव में खुल गए हैं, किसी मतलब गांव में जहां पे साधन मतलब जो वहां पे रहने के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है तो बच्चों को बहुत दूर रहना पड़ता है। तो ऐसे कॉलेजों को भी आपको काउंसलिंग में अवॉइड करना है कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तो है लेकिन अभी नए हैं। आपको कोशिश ये करना है कि जो पुराने करीब मान के लिए 7-8 साल कम से कम पुराने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं उन्हीं में आपको एडमिशन लेना है। तो ये भी ध्यान देना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का चुनाव करते हुए कि आपका पॉलिटेक्निक जो है वो शहर में है कि देहात में है। तो आपके जो पॉलिटेक्निक शहर में पॉलिटेक्निक है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, उन्हीं पॉलिटेक्निक पे क्या करना है आपको फोकस करना है। तो अगर मैं बात करूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको काउंसलिंग के लिए फ्रीली पूरा का पूरा मतलब कोई पेड आपका काउंसलिंग नहीं करवाया जाएगा, काउंसलिंग जो होगा पूरा का पूरा फ्री होगा। बस आपको क्या करना रहेगा, आपको जो है केवल और केवल किसी साइबर कैफे से जाकर के अपना काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें क्या आपको अपना डिटेल भरना होगा और आपको अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना होगा। बस इतना ही काम आपको क्या करना है, साइबर कैफे से काम करना है। बाकी सारा काम अपने स्मार्टफोन से यानी कि अपने मोबाइल से कर सकते हैं। बस आपको फोटो और जो बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट होंगे वो आपका पूरा का पूरा काम मतलब फोटो और सिग्नेचर भी मोबाइल से अपलोड किया सकता है। यानी कि पूरी की पूरी काउंसलिंग 100% आपकी मोबाइल से की जा सकती है। इसके लिए आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। और जो बच्चे बहुत वीक होंगे मतलब एकदम कोई जानकारी नहीं होगी उनका क्या होगा, उनको हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे समय निकाल करके उनकी पूरी काउंसलिंग करने का। तो अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे अभी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो काउंसलिंग के लिए उनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पॉलिटेक्निक पाठशाला। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे पॉलिटेक्निक पाठशाला, आपको एक चैनल दिखेगा, उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और इस नंबर पे 9721585 पे इस नंबर से मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें जो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं बच्चे फ्रीली मतलब फ्री रूप से कोई पेड काउंसलिंग नहीं, वे बच्चे क्या करेंगे, उन बच्चों के लिए मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। वहां कमेंट सेक्शन में जा करके व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक करके क्लिक करके ग्रुप को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और वहां पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो आपका बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं और काउंसलिंग करते समय साइबर कैफे से दिक्कत क्या होती है, जैसे जब आप बहुत ज्यादा सीटें लॉक करते हैं तो चूंकि वो लोग पैसा लेकर के काउंसलिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा वो सीट कॉलेज लॉक वगैरह करना नहीं चाहते हैं या अपने मर्जी से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लॉक करते हुए जाते हैं, लोकेशन वाइज नहीं देखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपने लोकेशन वाइज देखेंगे तो कॉलेज का अपना अलग अलग कोड होता है, तो काउंसलिंग करने से पहले आपको कॉलेज का कोड पता होना चाहिए। तो उन सब के बारे में पहले से जानकारी दी जाएगी, आपका कॉलेज कोड क्या होता है, आपका ब्रांच कोड क्या होता है, तो जिससे आपको काउंसलिंग में क्या होगा, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कहीं साइबर कैफे से भी काउंसलिंग करके कराने जाते हैं तो क्या होगा, तो पहले से ही आप अपना एक लिस्ट मतलब काउंसलिंग कराने से पहले आप अगर अपना पहले से एक लिस्ट मतलब पेपर पे मतलब हार्ड कॉपी अगर तैयार कर लेंगे तो उसके माध्यम से अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको काउंसलिंग में जरा से भी दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से जो ब्रांच आएंगे वो ब्रांच आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को आपको सेव कर लेना है 9721585357। अगर आपको कोई भी कठिनाई होती है काउंसलिंग से रिलेटेड तो इस पे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है क्योंकि कॉल बहुत सारे बच्चों के आते हैं तो सबका अटेम्प्ट नहीं कर मिलता है। तो आपको मैसेज करना है और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे वो ग्रुप में मैसेज कर देंगे तो जरूरत पड़ने के अनुसार मैं उनको से कॉल करके खुद उनके डाउट का क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात करूं और उसके बाद जैसे ही आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की जो पूरी की पूरी क्लासेज होगी वो पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पे फ्री चलेगा। तो आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के बाद भी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सेमेस्टर जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे के पूरे क्लासेज कहाँ पे, यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला पे फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला को ज्वाइन कर लीजिए।
अब बात करते हैं बेस्ट ब्रांच कौन सा है आपका। देखिए बेस्ट ब्रांच सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, आपके रैंक पे भी डिपेंड करेगा और आपका इंटरेस्ट किस ब्रांच में है। तो इसके लिए आपको जानना चाहिए कि किस ब्रांच में एडमिशन लेने पर आपको किस चीज के बारे में पढ़ाई करनी पड़ेगी और उस चीज के बारे में पढ़ाई करने के बाद आपको किस टाइप की कंपनी में जॉब करना होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, क्या हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका हो गया, आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, आपका क्या हो गया, आईटी हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आईटी के बाद आपका केमिकल हो गया, क्या हो गया, केमिकल हो गया, आपका पेंट टेक्नोलॉजी हो गया, क्या हो गया, पेंट टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आपका क्या हो गया, प्लास्टिक, प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी हो गया। ये सब क्या, ये सब ऐसे कुछ ब्रांचेज हैं जिससे डिप्लोमा करने के बाद आपको जॉब जो है इजीली मिल जाता है, आपको जॉब क्या होता है, इजीली मिल जाता है। और आपका जो जॉब मिलता है पॉलिटेक्निक करने के बाद वो मतलब कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, किस कॉलेज से आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, क्योंकि सेम कंपनी अलग अलग पॉलिटेक्निक में कॉलेज जाती है प्लेसमेंट के लिए, तो पैकेज उसका अलग अलग रहता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैकेनिकल की, अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल से आप समझ लीजिए कि मशीनरी वर्क, कौन सा, मशीनरी वर्क, जहां पे आपका मान के चलिए जैसे जो भी मशीनें आपकी बनती हैं, जैसे मैकेनिकल की बहुत सारे ब्रांच होते हैं, प्रोडक्शन होता है, ऑटोमोबाइल होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है आपका, आरएसी आपका होता है, आपका मेंटेनेंस होता है, क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, जो आपका जैसे आपके कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली हो गया, मतलब ये सब सारी चीजें जो है आपका वेल्डिंग से रिलेटेड जितना सारा वर्क हो गया, ये सब किस में आएगा, मैकेनिकल में आएगा। तो मैकेनिकल के बारे में जनरली सब लोग जानते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करूं तो आप लोग देखते होंगे आपके घरों में जो बिजली पहुंचती है उसके लिए जो टीम काम करती है वो लोग किस चीज की पढ़ाई कराते हैं, इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक कराते हैं, इलेक्ट्रिकल से बीटेक कराते हैं। तो मतलब जो मतलब बिजली से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, जैसे आपका फैन हो गया, आपका क्या हो गया, आपका आपका फैन हो गया, आपका बल्ब हो गया, आपका कूलर हो गया, आपका एसी हो गया। देखिए कूलर और अगर मैं एसी वगैरह की बात करूं वहां पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों, जहां पे देखिए जहां पे आपका मोटर हो गया, क्या हो गया, मोटर हो गया, तो ये सब किस में आएगा, इलेक्ट्रिकल में आ जाएगा। अगर मैं सिविल की बात करूं, सिविल के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बनाना हो, क्या बनाना हो, कोई घर बनाना हो, जैसे शहरों में क्या होता है बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं आपके, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनते हैं, पुल बनती हैं आपकी, सड़कें बनती हैं, तो ये सारे किस में आएंगे, ये आपके आ जाएंगे सिविल में आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम लोग बात करें तो आजकल जो आपके जैसे ईयरफोन्स बन रहे हैं, आजकल अगर मैं बात करूँ बीटेक लेवल पे आपका एक नया ब्रांच आ गया है मेकाट्रॉनिक्स, जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके जो गाड़ियां आ रही है ऑटोमेटिक आ रही है, सेमी ऑटोमेटिक आ रही है, तो वहां पे जो चीजें यूज हो रही है, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। किस रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। तो मैकेनिकल के साथ साथ आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यूज बड़े पैमाने पर आपका हो रहा है। और जो आपका मोबाइल हो गया कंप्यूटर हो गया, ये सब कैमरा हो गया, ये सब चीजें किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। कंप्यूटर साइंस मतलब जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर आपका बना है तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये सब जो पूरा का पूरा जो आजकल विभिन्न ऐप्स बन रहे हैं, विभिन्न वेबसाइट बन रही हैं, और विभिन्न जो है आजकल जॉब्स प्रोफाइल है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, इसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो लोग कौन से होते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं। सेम काम आपका आईटी सेक्टर वाले, मतलब आईटी और सीएस का लगभग काम सेम होता है। फिर मैं बात करूँ केमिकल का, केमिकल से रिलेटेड जितना पेट्रोलियम कंपनियां हैं आपकी, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका IOCL हो गया आपका, आपका BPCL आपका हो गया, आपके रिलायंस की भी जो है आपकी फैक्ट्रियां हैं, आपका मतलब पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड और आपका केमिकल से रिलेटेड जो चीज काम होंगे वो क्या होंगे, केमिकल से। जैसे आपका आपका मान लीजिए कहीं पे शराब ही बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, तो वो भी किस में आएगा, आपका केमिकल में आएगा, किस में आएगा, केमिकल में आएगा। बहुत सारे फर्टिलाइजर जो आपके खाद वगैरह बनते हैं या जो आपकी दवाएं बनती हैं, जो वो सब किस में है, मतलब कृषि से रिलेटेड, वो सब किस में आएंगे, केमिकल में आएंगे।
पेंट होंगे, आजकल पेंटिंग से रिलेटेड काम देख रहे हैं तो पूरा का पेंटिंग जो पूरा वर्क हो जाएगा पेंट में आ जाएगा। ऐसे ही प्लास्टिक, प्लास्टिक के जितने भी इक्विपमेंट आजकल बन रहे हैं मार्केट में वो कौन बना रहे हैं, जो प्लास्टिक से मतलब स्टडी किए हुए हैं। तो आजकल देखिए जो केमिकल हो गया, पेंट हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसमें क्या है, इसमें सीटें सीमित है, इसमें क्या है सीटें सीमित हैं। तो इस वजह से इन सब ब्रांचों में अगर आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर प्राइवेट जॉब करना है तो किसी भी ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से क्या करना है, सॉरी, अगर आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब बेसिकली इन तीन ब्रांचों में ज्यादा आता है, किसमें, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, और चौथे नंबर पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो नंबर एक पे आपका क्या आएगा, सिविल इंजीनियरिंग आएगा। क्या आएगा, सिविल इंजीनियरिंग, ये समय टॉप पे चल रहा है। नंबर दो पे अगर हम लोग बात करें, नंबर दो पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल आपका आएगा। नंबर दो पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल आएगा। नंबर तीन पे क्या आएगा, आपका मैकेनिकल आएगा। नंबर तीन पे आपका मैकेनिकल आएगा। और नंबर चार पे क्या आएगा, नंबर चार पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। नंबर पांच पे कह सकते हैं क्या आएगा, केमिकल आएगा। क्या आएगा, केमिकल आएगा, केमिकल आएगा। नंबर छह पे क्या आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आ जाएगा। तो डिप्लोमा लेवल पे इन इन ब्रांचों से आपको क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। या अगर इसमें मैं बात करूं तो ये स्टार्टिंग के जो पांच ब्रांच हैं उससे गवर्नमेंट जॉब ज्यादा आते हैं। कंप्यूटर साइंस से भी गवर्नमेंट जॉब आती है, जैसे अभी यूपीपी में आपका आया हुआ है, यूपीपी में आ गया कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह का आ गया, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आती है वहां पे कंप्यूटर साइंस से क्या मांगता है, डिप्लोमा मांगता है। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपको हायर एजुकेशन करना है, क्या करना है, हायर एजुकेशन करना है, हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो वहां पे आपको हायर एजुकेशन के बाद आपको कहां जॉब करना रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में। कहां पे, प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब करना है तो मान लीजिए अभी आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही है, आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, आपका कोई बिजनेस है, तो पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन यानी कि क्या, अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक भी करते हैं तो वहां पे जो जॉब की अगर मैं बात करूं तो वहां पे सीएससी प्रेजेंट टाइम में टॉप पे चल रहा है, प्रेजेंट टाइम पे सीएससी चल रहा है। नंबर दो पे आपका आईटी हो गया और नंबर तीन पे क्या हो गया, नंबर तीन पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। लेकिन अगर पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप बीटेक करते हैं और भी ब्रांचेस से, जैसे अगर मैं बात करूं इस समय एचबीटीयू में बहुत सारे नए ब्रांच हैं, एचबीटीयू में जैसे आपका केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, पेंट टेक्नोलॉजी हो गया, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब आपकी जो है एचबीटीयू में, जिसमें बहुत सारे बहुत कम बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस बार लगभग लगभग मान के लिए 100% से ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट आपका हो चुका। क्यों मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम पढ़ाता हूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके बीटेक कर चुके हैं और अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। तो हमारे जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट आप देखेंगे जो लेटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक में प्रवेश लेते हैं, ट्रिपल एम में, आईआईटी में, एचबीटीयू से, आपका केएनआरटी सुल्तानपुर से, बीआईटी झांसी से, और विभिन्न यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेजों से क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करने के बाद बहुत सारे बच्चे भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे करके क्या कर रहे हैं, अच्छे पैकेज पे क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो मैं हायर एजुकेशन के बारे में आइडिया बता दिया। इसके बाद अगर ये सारे ब्रांच अगर आपको नहीं हो पाते हैं, फिर आपका क्या, आपके पास मैकेनिकल भी है, फिर आपका जो जिस ब्रांच के हैं उस ब्रांच से बीटेक आप कर सकते हैं, उस ब्रांच से बीटेक कर सकते हैं, आप केमिकल से कर सकते हैं, केमिकल भी अच्छा ब्रांच आपका है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट। तो आपने, हमने बता दिया किस टाइप की कंपनी में कौन सा काम करना रहेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो 12वीं में कंप्यूटर पढ़े होंगे तो उनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट होगा, और हायर एजुकेशन भी करना चाहते हैं तो सीएससी से डिप्लोमा कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे आपको किस ब्रांच से डिप्लोमा करना आपका क्या रहेगा, किस ब्रांच से डिप्लोमा करना क्या रहेगा आपके लिए सही रहेगा, आपके लिए किस ब्रांच से डिप्लोमा करना क्या रहेगा सही रहेगा। अब अगर हम लोग आगे बात करें, सम बेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज, कुछ बेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो बेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जैसे अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की,
तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को रखा है और मैक्सिमम हमने जो रखा है एडेड पॉलिटेक्निक को रखा है। किसको रखा है? एडेड पॉलिटेक्निक को। गवर्नमेंट और एडेड, जो आपका एडेड क्या होता है गवर्नमेंट क्या होता है अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो गवर्नमेंट वे पॉलिटेक्निक होते हैं जिसके आगे जनरली लिखा होता है राजकीय पॉलिटेक्निक या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जनरली लिखा होता है, वे सारे क्या होते हैं गवर्नमेंट होते हैं। और बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो सरकारी तो होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडेड को हम लोग बोलते हैं अर्ध सरकारी, मतलब गवर्नमेंट में मैनेजमेंट का काम और पूरा का पूरा पढ़ाई लिखाई से काम पूरा का पूरा क्या होता है मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से करता है, और आपका एडेड में क्या होता है मैनेजमेंट का काम एक तरीके से कौन देखता है आपका कोई जो पहले कॉलेज को बनाए रखता है। जैसे आप लोग बहुत सारे कॉलेजों से अगर आप इंटरमीडिएट किए होंगे तो एक होता है जिले में होता है क्या राजकीय इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC होता है, तो क्या होता है पूर्ण रूप से सरकारी होता है। जैसे गोरखपुर में बात करूं MG इंटर कॉलेज हो गया आपका, तो ये क्या है आपका MP इंटर कॉलेज हो गया, ये क्या है एडेड कॉलेज है। अगर वही आपका गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज हो गया, एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या है गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ पे मैं रखा हूँ चार स्टार्टिंग में रखा हूँ क्या, ये चार जो है ये क्या है गवर्नमेंट कॉलेज है, ये सब क्या है ये चार जो स्टार्टिंग के हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और ये लास्ट के जो छह हैं ये क्या है ये आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, सॉरी ये सब आपके क्या है एडेड कॉलेज हैं। कैसे कॉलेज हैं? एडेड कॉलेज हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है, पढ़ाई का कल्चर क्या है? देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं इसमें जो टीचर पढ़ाते हैं उनका हर 3-4 साल के बाद एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर होता रहता है, तो इसमें टीचर स्थायी नहीं होते हैं, टीचर टाइम टू टाइम क्या होते हैं बदलते रहते हैं। लेकिन एडेड कॉलेज जो होता है जो भी फैकल्टीज में होती है जिस कॉलेज में उनको जॉब मिला उसी कॉलेज से क्या होना है उनको रिटायर होना है, मतलब इनका ट्रांसफर नहीं होता, तो इस वजह से इसमें टीचर क्या होते हैं स्थायी होते हैं। तो एडेड कॉलेज में जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज की तुलना में थोड़ा सा बेटर होता है, लेकिन एडेड कॉलेज की अगर मैं फी की बात करूं तो इसमें दो शिफ्ट चलता है, एक आपका चलता है फर्स्ट शिफ्ट चलता है अधिकतर कॉलेजों में, इसकी फीस मान के चलिए 18,000 के आसपास लगभग, और जो सेकंड शिफ्ट चलता है आपका जो आपका क्या चलता है सेकंड शिफ्ट आपका चलता है उसकी फीस जो होती है लगभग लगभग 25,000 के आसपास, कितनी 25,000 के पास आसपास, लेकिन जो फीस आपका लगता है उसी के अकॉर्डिंग आपका स्कॉलरशिप भी आता है। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज जो होती है इसकी फीस लगभग लगभग 11,000 के आसपास होती है, कितना 11-12,000 के आसपास होती है, लेकिन कम फीस लगेगा तो स्कॉलरशिप भी कम आएगा, यानी कि फीस आपका जनरली गवर्नमेंट एडेड में क्या होता है रिफंड हो जाता है जो बच्चे स्कॉलरशिप की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे बात करूं तो जो बच्चे कानपुर के आसपास के हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, जो बच्चे लखनऊ के आसपास के हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ को प्रेफरेंस दे सकते हैं, जो बच्चे गाजियाबाद के आसपास के हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद को प्रेफरेंस दे सकते हैं, और जो बच्चे गोरखपुर के आसपास के हैं वे बच्चे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में बात करूं। लेकिन गोरखपुर से बेटर आपका है गोरखपुर में MP पॉलिटेक्निक, तो MP पॉलिटेक्निक गोरखपुर में अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से बेटर आपका समझा जाता है। ऐसे अगर मैं लखनऊ में बात करूं तो आपका हिबर्ट पॉलिटेक्निक जो होता है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से क्या होता है बेटर समझा जाता है। और यहाँ पे मैं कुछ एडेड कॉलेज रखा हूं, जैसे हिबर्ट पॉलिटेक्निक लखनऊ आपका, DN पॉलिटेक्निक मेरठ, जो बच्चे मेरठ के आसपास के हैं उनके लिए आपका DN पॉलिटेक्निक मेरठ जो है बेस्ट कॉलेज है, जो बच्चे गोरखपुर के आसपास के MP पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर दोनों बढ़िया है, लखनऊ में जिनको हिबर्ट नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर नहीं मिल लखनऊ नहीं मिल पाता है वे बच्चे आपका ले सकते हैं लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ, ये भी आपका क्या है एडेड कॉलेज है। उसके अलावा जो बच्चे प्रयागराज के आसपास के हैं वे हंडिया पॉलिटेक्निक ले सकते हैं, हंडिया पॉलिटेक्निक आपका प्रयागराज में है, और जो बच्चे मथुरा में है मथुरा में आपका बेस्ट कॉलेज है PMU पॉलिटेक्निक कौन सा है मथुरा आपका है, और जो बच्चे बलिया के आसपास के हैं टाउन पॉलिटेक्निक बलिया है, चंदौली के आसपास हो गया आपका क्या चंदौली पॉलिटेक्निक चंदौली हो गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग जो है गवर्नमेंट कॉलेज वेबसाइट पे जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के कैसे आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं जिला वाइज गवर्नमेंट कॉलेज दे सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके कॉलेज ये तो कुछ हो गए इंपॉर्टेंट कॉलेज, लेकिन सबका तो रैंक अच्छा नहीं होगा कि सबको ये सब कॉलेज मिल पाएंगे, जिनका रैंक मान के लिए 20-25,000 से ज्यादा होगा 25,000 ज्यादा होगा तो सोच रहे होंगे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? अपने रैंक के अनुसार बेस्ट कॉलेज का चुनाव कैसे करें? देखिए हम भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाए हुए, प्राइवेट पॉलिटेक्निक में पहले मैं पढ़ाता था, अब मेरे कई सारे मित्र ऐसे हैं जो मतलब MP पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहे हैं या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मेरी कुछ पहचान वाले पढ़ा रहे हैं, रिलेशन के भैया लगते हैं, कुछ मेरे दोस्त भी कुछ जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहे हैं। तो दिक्कत क्या हो रही है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, बहुत सारे कॉलेज जो है बहुत सारे कॉलेज क्या है
कॉलेज जो है ग्रामीण क्षेत्र में खुल गए हैं। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्र में खुल गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में खुल गए हैं। तो काउंसलिंग में ऐसे कॉलेज को आपको लॉक नहीं करना है, काउंसलिंग में ऐसे कॉलेज को लॉक नहीं करना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी दिक्कत है। कोई बुक्स आपको नहीं मिलेगा, टेक्निकल से ड्राइंग से रिलेटेड कोई सामान आपको नहीं मिलेगा, आपको बढ़िया रहने के लिए रूम नहीं मिल पाएगा। पता चल रहा है कि मॉर्निंग में डब्बा लेके जाना पड़ रहा है, ऐसी भी सुविधाएं नहीं है, टॉयलेट वगैरह की सुविधाएं नहीं है। गाँव में बहुत सारे ऐसे जगह पे पॉलिटेक्निक खुल गए हैं, कहीं अगल बगल गन्ने के खेत है, बीच में क्या है कॉलेज है, बरसात के मौसम में पूरा का पूरा पानी भर जाता है। तो ऐसे कॉलेजों का चुनाव आपको नहीं करना है, आपको ऐसे कॉलेजों का चुनाव करना है जो किस जो कहाँ पे हो, जो कॉलेज आपकी सिटी में हो, जो कॉलेज कहाँ पे हो, सिटी में हो, कहाँ पे हो, सिटी में हो, उस कॉलेज के आपको चुनाव करना है। जो भी कॉलेज आप लोग अभी देखेंगे वेबसाइट पे जा करके, वहां पे उसका एड्रेस भी दिया रहता है, पिन कोड भी दिया रहता है। तो पिन कोड के अकॉर्डिंग आप लोकेशन देख सकते हैं कि शहर से कितनी दूरी पे आपका कॉलेज है। तो आप जो भी कॉलेज आप लॉक करेंगे, पहले उसका क्या कर लेंगे, पहले उसका एक चार्ट बना लेंगे। मान लीजिए पहले आपको चाहिए, मान लीजिए सिविल चाहिए, तो पहले नंबर पे आपने मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर डाल दिया, सिविल चाहिए। दूसरे नंबर पे आप गोरखपुर के आसपास के तो क्या डालेंगे, MP पॉलिटेक्निक गोरखपुर डाल देंगे। तीसरे नंबर पे आप डाल सकते हैं क्या, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, बस्ती डाल सकते हैं। चौथे नंबर पे आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, देवरिया डाल सकते हैं। तो ऐसे आप पहले जो कॉलेज आपके शहर में है उन्हीं कॉलेजों का आपको चुनाव करना है, कौन शहर में है, कौन सा गांव में है। अभी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग देख पाएंगे कि कौन सा कॉलेज क्या है, गाँव में है, कौन सा कॉलेज शहर में है। ऐसे जो बच्चे लखनऊ के आसपास के होंगे तो लखनऊ के अगल बगल के कॉलेज को चूज करेंगे, तो वहां पे भी अभी हम लखनऊ का लिस्ट भी आपको देख करके बताते हैं। तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे आपका रैंक कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका रैंक जो है 20,000 के अंदर है तो अगर आप 10 कॉलेज भी डालते तो आपको भी बड़े आसान से आपको 2-3 राउंड तक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका रैंक जो है 20,000 से ऊपर है तो आपको जो लॉकिंग करना होगा 20-25 कॉलेजों का करना होगा, 20-25 कॉलेजों का करना होगा। तो आपको हो सकता हो ग्रामीण क्षेत्र के भी कॉलेज को लॉक करना हो, तो ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कॉलेज को लॉक करिए जो आपके जिले के अगल बगल हो, बहुत दूर में हो, क्योंकि बहुत दूर से आकर के अगर आप गांव में जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के बाद भी पॉलिटेक्निक छोड़ दे रहे हैं बीच में ही पढ़ाई, क्यों, क्योंकि वहां पहली सुविधा तो रहने खाने की हो जा रही है, तो मूलभूत सुविधाएं जहां पे नहीं रहेगी वहां पे पॉलिटेक्निक करना क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं कॉलेज टाइप की, तो कॉलेज टाइप आपके चार टाइप के हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हो गया, गवर्नमेंट एडेड पॉलिटेक्निक हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक PPP मॉडल हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक मतलब हो गया गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब हो गया प्राइवेट, और पार्टनरशिप यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का पार्टनरशिप में कुछ कॉलेज आप गवर्नमेंट जो है इस मॉडल पे कॉलेज को अब नए खोल रहा है, और अगला आपका हो गया प्राइवेट कॉलेज हो गया। तो काउंसलिंग में आपको जो है इन्हीं दो टाइप के कॉलेज को लॉक करना है, PPP मॉडल को लॉक नहीं करना है और प्राइवेट पॉलिटेक्निक को आपको लॉक नहीं करना है, केवल दो ही टाइप के पॉलिटेक्निक को क्या करना है, लॉक करना है। क्योंकि मेरे पहचान में बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में टीचर वगैरह हैं या फैकल्टी हैं, मतलब अलग अलग मान लीजिए कोई क्लर्क है, इस तरीके से मेरे पहचान में बहुत सारे पॉलिटेक्निक में हैं। तो वहाँ पर स्थिति क्या है ना, लास्ट राउंड के बाद हर एक ब्रांचों में लगभग 4-5 सीटें खाली ही रह जाती हैं। तो अगर आप लास्ट राउंड तक जाएंगे तो हर कॉलेजों में क्या होती हैं, सीटें खाली रहती है, लास्ट में आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी कॉल करते हैं। तो जो लोकल के बच्चे रहते हैं डायरेक्ट एडमिशन भी लास्ट में जाकर के कर लेते हैं, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज बंद हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में सीट 500 है, 50 बच्चों का एडमिशन हुआ, एक ब्रांच में 5 बच्चे, पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा, एक ब्रांच में 5 बच्चे रहेंगे तो पढ़ने में क्या होगा, मजा नहीं आएगी। इस नाते इन सारी चीजों को क्या करना है, ध्यान देना है। कंक्लूजन, द रोल ऑफ ब्रांच इन द फ्यूचर, मतलब जो भी ब्रांच आप चूज करेंगे उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा एक तरीके से, यानी कि ये आपका जो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट एक तरीके से है कि इस पे आपकी आगे की लाइफ डिपेंड करेगी कि आपको किस सेक्टर में जाना है, मैकेनिकल से डिप्लोमा करना है, सिविल से करना है, इलेक्ट्रिकल से करना है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा, क्योंकि आगे का जो टाइम है वो प्राइवेट सेक्टर का है, तो आपको ऐसे ब्रांच से डिप्लोमा करना चाहिए जहां पर प्राइवेट सेक्टर में क्या हो, भरपूर जॉब हो। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं बात करूं कि आप जो है कैसे कॉलेज देखेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं जो पॉलिटेक्निक आप काउंसलिंग कर लेंगे तो आपको
जो आप जीकब से सारी काम कर रहे हैं तो वो काम करेंगे किसे, बीटीयूपी से करेंगे, किसे करेंगे, बीटीयूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। अगर इसकी वेबसाइट की बात करूँ तो वेबसाइट आपका है btup.ac.in। इसकी वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो वेबसाइट क्या है, btup.ac.in। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको यानी कि अगर आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, इस पर अगर आप लोग जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे आपका होम पेज कुछ ऐसे खुल करके आएगा। यहाँ पे आपका दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे आपका दिख रहा है इंस्टीट्यूट, क्या दिख रहा है, इंस्टीट्यूट आपको दिख रहा है। इस इंस्टीट्यूट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ऑल इंस्टीट्यूट टाइप, क्या आ रहा है, ऑल इंस्टीट्यूट टाइप, तो गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट अदर आ रहा है। तो मान लीजिए आपने गवर्नमेंट का चूज किया, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखना है, मान लीजिए आपको देखना है लखनऊ में, देखना है कहाँ देखना है, लखनऊ में कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, लखनऊ पे आपने क्लिक कर दिया। ब्रांच आपका, ये ब्रांच आप आल ब्रांच के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके दो पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट मतलब लखनऊ में, एक गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ है, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है, दोनों मतलब कैंपस एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब मान लीजिए किसी पे आप, यहाँ पे व्यू डिटेल है, क्या है आपका व्यू डिटेल है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करके देखेंगे यहाँ पे क्या, दोनों के सामने व्यू डिटेल दिख रहा है। इस पे मान लीजिए आपने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या है, ये गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक, इसमें कौन कौन से ब्रांचेज है और किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं, ये पूरा का पूरा ओपन होकर के आ गया। तो जो लड़कियां हैं आईटी से डिप्लोमा करना चाहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा करना चाहती हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस क्या होता है, बेस्ट माना जाता है, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस बेस्ट माना जाता है, तो इन सब ब्रांचों से अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आप जो है इससे कर सकते हैं, किससे, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ से। अदरवाइज आप बैक जाइए यहाँ पे, क्या अदरवाइज यहाँ बैक जाइए, आप जो है आप बैक जाइए फिर वैसे ही यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, इसमें भी डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचे हैं, किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं। जैसे अब हर ब्रांच में 75 सीटें हो गई हैं, हर ब्रांच में कितनी सीटें हो गई हैं, 75 सीटें हो गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ब्रांच वाइज सीटें, तो जैसे सिविल में 75 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 75 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 75, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल में 75, प्रोडक्शन में 75, आईटी में 75, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मॉल टेक्नोलॉजी में 75, सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री की भी दी गया है, लेटरल एंट्री में कितनी कितनी सीटें हैं, 15 सीटें आपकी लेटरल एंट्री में भी है। तो इस प्रकार से आपको बीटीयूपी की साइट पे जाना है, बीटीयूपी की साइट पे जाना है, आपके आसपास की जो जिले हैं पहले गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे, आसपास के जिले, मान लीजिए आप गोरखपुर के आसपास के हैं तो क्या सर्च करेंगे, पहले आप गोरखपुर सर्च कर लेंगे, क्या सर्च कर लेंगे, गोरखपुर सर्च कर लेंगे, गोरखपुर सर्च करने के बाद इसको सर्च करेंगे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर, गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक गोरखपुर, और तीसरा महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हरिहरपुर गोरखपुर। तो ये दोनों है, ये दोनों शहर में, नीचे वाला जो है वो आपका क्या देहात में है। अगर इसका एड्रेस देखेंगे तो एड्रेस आपका कहाँ है, हरिहरपुर खजनी गोरखपुर, खजनी में है, यानी कि गोरखपुर से 30-35 किलोमीटर दूरी पे है। तो इसको आपको लॉक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपको देहात सेक्टर में है, तो आपको ऐसे कॉलेजों का चयन करना है जो आपके वहाँ पे शहर में हो। तो बहुत सारे बच्चे की विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो मान लीजिए आपने पैसा दे दिया काउंसलिंग के लिए, वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भर्ती में चले गए, लेकिन आपको कौन सा मिल गया, देहात वाला मिल गया, तो क्या करेंगे, तो बीच में आपको दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस नाते मतलब किसी कोचिंग के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपनी लाइफ का निर्धारण स्वयं करना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप अपनी मोबाइल से काउंसलिंग कर सकते हैं, उसके लिए पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और जो बच्चे गोरखपुर शहर के हैं, अगर वो हमसे मिलकर के काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो उनका काउंसलिंग में बुला करके मतलब कुछ बच्चों को मैं करा सकता हूँ, बहुत सारे बच्चों का नहीं, लेकिन ग्रुप में आप लोग क्या करिएगा, मैसेज करिएगा, उसके बाद हम लोग जो है जो गोरखपुर शहर के हैं कुछ बच्चों की मैं काउंसलिंग कराने का प्रयास करूंगा, और मैं काउंसलिंग का पूरा यहाँ पे वीडियो बना दूंगा और एकदम कॉलेज लाख कर करके दिखाऊंगा, और उस वीडियो को देख करके आप सेल्फ से भी अपनी काउंसलिंग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम और लंबा नहीं खींचेंगे, और अगर मैं बात करूं जो काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आपका जो वेबसाइट है उसके लिए gcup.admissions.nic.in। अगर आप यहां पे देखेंगे वेबसाइट तो जूम नहीं हो रहा है, gcup.admissions.nic.in, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे अगर कोई भी नोटिस आपका आया रहेगा तो पब्लिक नोटिस में यहां पे आपका आ जाएगा। तो अभी आपका कोई भी नोटिस नहीं आएगा काउंसलिंग से रिलेटेड, तो अभी जो है आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी आप जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दीजिए, आप लोग इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट ये जो है नया बनवा लीजिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का। मैक्सिमम जगह क्या लगता है, नया लगता है, बस इतना ध्यान देना है।
बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी सारी क्वेरी का आपका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।